मर्डर हो गया है, पुलिस कोई सुनवाई नहीं कर रही, हमारा भाई कौन ला के देगा अंकल, इतना सताव सवाले बस लोग कह रहे हो सब पोस्टमार्टम के लिए वहाँ से लिया और दफना दो, बाकी हम बाद में देख लेंगे। उल्टा हमें कह रहे तुम्हें फंसवा देंगे, उल्टा कह रहे हमें फंसवा देंगे, और मुझे तो खासकर बोल रही क्यों कह तू बहुत बोल रही है। सुबह जब मैंने बोला कि भाई क्या सही बात है तो लेडीज पूरी बोलवा के हमें मारा भी जी। नमस्कार, मेरा नाम है आयुष शर्मा, मेरे साथ देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क और इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी दिल्ली के नरेला क्षेत्र में। और आपको बता दें कि बहुत ही सनसनीखेज वारदात यहाँ से सामने आ रही है। रात को तकरीबन 2 से 2:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब एक व्यक्ति की चाकू से गोद कर निर्मम हत्या कर दी जाती है। और इस वक्त हम उसी स्थान पर मौजूद है जहाँ पर ये वारदात होती है। अब मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर टूटी हुई कुर्सी और पीछे की तरफ अगर हम जाए, आप इस वक्त स्क्रीन पर भी वो वीडियो देख पा रहे हैं जहाँ पर जो गमले हैं वो टूटे हुए पड़े हैं, कुर्सियाँ टूटी हुई पड़ी है और खून का निशान भी आप लोग देख पाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि जो खून का निशान है वो धो दिया गया है। और इसके अलावा जो बड़ी बात सामने आ रही है वो ये है कि जो परिवार है जिसके लड़के की मृत्यु हुई है, जो लड़का है उसकी उम्र महज 17 से 18 साल बताई जा रही है। और ये भी हो सकता है कि जो लड़का था वो नाबालिग भी हो, अभी इस चीज़ की कोई पुष्टि नहीं की गई है, उम्र के बारे में अभी सही से पता नहीं चल पाया। लड़के का नाम शोएब बताया जा रहा है, वही पास में ही 2 गली आगे ही रहता था। जब वो रात को अपने दोस्त के घर पर आया हुआ था तब उसके साथ ऐसी घटना हो जाती है, उसकी चाकू से गोद कर इस प्रकार से निर्मम हत्या कर दी जाती है। वो यहीं पर तड़प तड़प कर अपनी जान दे देता है। अब क्या कुछ कहना है परिवार के लोगों का इस बारे में, चलिए आपको उन्हीं से बताते हैं। इस वक्त मृतक के भाई हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं, पूरा वाक्य जानने की कोशिश करते हैं। सर, कितने बजे पता चला था आपको इस हादसे के बारे में? हमें सुबह पता चला जी 3:30 बजे, पुलिस वालों ने हमें कुछ नहीं बताया कि नुकह रहे आधार कार्ड लेकर आओ, नुकह उसकी शनाख्त करनी है पहचान के लिए। तो उसे तो पूरी प्लानिंग से मारा जी। एक वो सालू है उनके साथ दारू पे था, एक दो हमारे चाचा ताऊ के भी उनमें जो मिले पड़े उनके साथ दारू पे था, मुशाहिद का दानिश है, कर वो है चीरा मोहित है, और वो एक समीर है 5 पॉकेट का, और एक मैकुल का नावेद है। ये सारे थे जी, इनके साथ रोज़ दारू पीते थे, वे हमारे गांव के हैं। उन्होंने पूरी प्लानिंग बना रखी थी जब महाराज उसे भगा भगा के। और यहाँ पे दारू गांजे का काम होता है जो बिकता है इनका, उनके हमारा ना उन्होंने हमें बताया कि तुम्हारे भाई के साथ वहाँ लड़ाई हो रही है। वहाँ पे उसके कम से कम 20 चाकू मारे जी, खुन्नम खून मार दिया, लात मार मार के मारा जी उसे। कोई कारण पता चल पाया आखिर ऐसा क्यों हुआ? नहीं जी, कुछ नहीं पता पाया, पुलिस कुछ बताई ना कुछ कार्रवाई, सबके यूँ ही घूम रहे खुले, ना उनके घर वालों से पूछे, घर वालों तो पता कहाँ होंगे कहाँ नहीं, कुछ नहीं कर रही जी पुलिस। अभी तो किसी की गिरफ्तारी हुई? किसी की नहीं हुई जी। तो अभी क्या बताया जाए, पुलिस की तरफ से क्या जवाब आप लोगों को अभी तक दिया गया? पुलिस वाले बस उन्हें कह रहे हो सब पोस्टमार्टम के लिए वहाँ से लिया और दफना दो, बाकी हम बाद में देख लेंगे। अच्छा। हाँ, इसके अलावा और कोई जानकारी नहीं दी? नहीं जी, कुछ नहीं दी। रात से मरे हुए हैं जी। आप मृतक के क्या लगते हैं? मैडम, मैं उसकी भाभी हूँ जी। मैं मर्डर हो गया रात से, तो पुलिस वालों को अभी तक मतलब वहाँ से देख लो जहाँ के मेंबर है ना, घर के मेंबर एक भी नहीं, थाने चले गए वो डर के मारे कि मैम कुछ ना कर दे, वो सारे थाने में है। और ये कह रहे कि इनकी गलती नहीं है, जब गलती नहीं तो मैं थाने में क्यों हूँ? सही बात नहीं, गलती नहीं है, थाने में क्यों आप लोग? और उसके बाद आप देख लो, आप देख के आए वहाँ पे, वहाँ जाके देख लो सारी पुलिस की टीम वहाँ खड़ी, क्यों खड़ी हो जब कोई गलती नहीं है तो उनकी है? और सब कोई पुलिस वाले ने सबको भगा रखा है जी। उल्टा हमें कह रहे हैं, जब हम सुबह प्रोटेस्ट किया ना जी, हमने थारी चंद में जब जाम लगाया था सुबेरी मॉर्निंग में, तो उल्टा हमें कह रहे हैं तुम्हें फंसवा देंगे। अच्छा। उल्टा कह रहे हैं हमें फंसवा देंगे, और मुझे तो खासकर बोल रही क्यों कह तू बहुत बोल रही है, सुबह जब मैंने बोला कि भाई क्या सही बात है तो लेडीज पूरी बोलवा के हमें मारा भी जी। ये देखो लेडीज पूरी ला के हमें अंदर भी चढ़ाया वहाँ पे। और यूँ और मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा, कह रहे क्या कि बॉडी लिया जी, बॉडी तो ले आएंगे आप, अरे भाई क्या करे रास्ते चलेगा बताओ, सामने थाना के यहीं पे आ गया और पुलिस वाले भी सब खून उन्हें धुलवाया है। आप क्या लगते हैं? मैं उसकी सिस्टर हूँ, उसके पास हमारा नंबर भी है, जब उसे बचाने के लिए वो कर रहा था, चिल्ला रहा था, तो वो हमारा पास फ़ोन भी कर सकते थे घर के अंदर रह के, पर उन्होंने कोई भी कॉल नहीं की है किसी के भी पास। तो उन्होंने खून और भी उनकी मदद लेके पुलिस वालों की खून खान धो दिया, और वहाँ पे ग्लव्स वगैरह पाए हमें, और खून की इतनी मोटी मोटी बोटियाँ पाई हैं। मैडम एक बात बताइए कि जब आप लोगों को पता चला कि ऐसा हादसा हो गया था, उनकी मृत्यु हो चुकी थी आप लोगों के जाने के बाद? कहते हुए मार चुके थे, बिल्कुल तरीके से मार दिया था बुरी तरीके से, जब जाके उन्होंने हमारे पास ले हमें खबर पहुँचाई है। तो जब शव आप लोगों ने देखा क्या उसी जगह पर पड़ा हुआ देखा था या फिर हॉस्पिटल में? वहाँ पे खून खून वे लेके अपनी गाड़ी में बोरी में भर के लेके हॉस्पिटल में पहुँचा दिया, हमें बताया भी नहीं कुछ भी, बाद में बहुत देर के बाद हमें पता लगा है। वो भी आधार कार्ड मांगने के लिए आए हुए हैं, वो भी कहना उसका आधार कार्ड दे दो। अच्छा। इतनी मोटी मोटी बोटियाँ वहाँ पे खूनम खून, पूरी गली खून से भरी हुई है। जब उनका कोई कसूर नहीं है तो उन्हें बोलना चाहिए कि हमारे घर पे जरा सी भी पता ज़्यादा दूर का कदम तो नहीं है, ये रहा पास में घर है, सबका नंबर है, हर किसी का नंबर है, पर कोई किसी ने जवाब नहीं दिया। पुलिस वाले आए हैं, बहुत जब वो मर चुका है पूरी तरीके से बिल्कुल कर दिया है उसके, बहुत चाकू वाकू घोंप के, जब जाके पुलिस वालों ने बताया है। आपको किसी पर शक है इस चीज़ को लेकर? वो क्या नाम है उनका लड़का करण, दारू वाली करण, उसका पप्पू, उसका क्या नाम है वो सन्नी, नावेद, जावेद, वो उसका भाई, और क्या है वो चीरा, ये सारे इन सारों ने। और कुछ दिन पहले मेरे भाई को धमकी भी दी, और समीर, कुछ दिन पहले मेरे भाई को धमकी भी दी गई थी और उन्होंने कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दिया, कुछ भी क्या ऐसे ये बस कोई बात नहीं, इन्होंने वैसे ही ले लिया फालतू में। किस चीज़ को लेकर धमकी दी गई थी बड़ा? इनका तुम्हारे भाई का ना मर्डर होएगा। मेरे भाई के पास कॉल आती है, कहता है कि मर्डर, तीनों भाई में से कोई से ना कोई एक का जरूर मर्डर होएगा, देख लियो कुछ दिन बाद। क्या कारण बताया जा रहा है, धमकी क्यों दी गई थी? कहने लगा इसका मारेंगे, धमकी वमकी, और कुछ नहीं पता मेरे भाई को। सर बताइए एक्शन क्या 2020 की क्या बात बता रहे हैं? लॉकडाउन में 2020 में मेरे चाकू लग गए थे, 15-16 चाकू ये लग गए थे पेट पे, यहाँ पे ये लग गए थे, उसी का बदला था। पैसे भर के उन्होंने बचा भर दिया, उनका मुँह भर दिया पुलिस वालों ने, मतलब हमारा कोई वो नहीं है, हमारी भी तो कोई हेल्प करो ना, हमारे भाई चला गया जवान जान से। तो आप लोगों को क्या अभी भी कोई धमकी दी जा रही है, प्रेशर बनाया जा रहा है कंप्लेंट वापसी लेने का? कंप्लेंट उन्होंने ये कहा था, पता नहीं कि कोई बात कर रहा था कि ना वो कंप्रोमाइज कर लो, हम किस बात पे कंप्रोमाइज कर ले, हमारा भाई ला के दे दो। रमजान है, अभी कुछ दिन पहले एक मोनू है, बाल्य का मोनू, उसके भी पैर तोड़वा दिए, रमजान है उसका लड़का, और यासिन का इमरान बंद है, उनकी सारी प्लानिंग बनाई हुई है। ये आपको साजिश लग रही है पूरी की साजिश थी, इससे साजिश के तहत उनके साथ हमारे इस पूरे घर वालों को खतरा है, मेरे तीनों भाइयों को, एक तो उन्होंने कर ही दिया, दो भाई को और भी खतरा। एक बार तो इसे बुरी तरीके से मार के कोई कार्रवाई नहीं, उन्होंने खुलेआम घूम रहे हैं, उन्होंने इतना मर्डर कर सब कुछ कर दिया, उनकी कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। तो आपने देखा क्या कुछ गंभीर आरोप यहाँ पर परिवार के लोगों द्वारा लगाए गए, जो स्थानीय पुलिस प्रशासन है उनके ऊपर, कि जब इन्होंने इंसाफ के लिए सड़क को घेरने का प्रयास किया था, चक्का जाम करने की कोशिश की गई थी, तब इनके साथ बदतमीजी की गई, लाठीचार्ज करके वहाँ से हटा दिया गया। तो कहीं ना कहीं बहुत ही संगीन आरोप यहाँ पर लग रहा है। और उसके अलावा जो आरोप लग रहा है वो ये है कि इस क्षेत्र में गैरकानूनी तरीके से ड्रग्स बेचने का, शराब बेचने का जो धंधा है वो बढ़ता जा रहा है, पुलिस के नाक के नीचे सारे काम हो रहे हैं, और फिर भी जो पुलिस प्रशासन है वो आंखें बंद करके बैठा हुआ है, कोई भी सुनवाई ऐसे लोगों की नहीं की जा रही। और आज जो ये गोरख धंधा यहाँ पर चल रहा था शराब का, ड्रग्स का, वो इतना ज़्यादा बढ़ चुका है जिसके चलते एक व्यक्ति को अपनी जान से हाथ धोना पड़ गया। तो कहीं ना कहीं बहुत ही गंभीर मामला, बहुत ही बड़ी बात यहाँ पर सामने आ रही है। अब इस चीज़ को लेकर आगे क्या होगा, पुलिस प्रशासन क्या कार्रवाई करेगा? फिलहाल जो शव है उसका पोस्टमार्टम किया जा रहा है और शव अभी तक परिजनों को नहीं सौंपा गया है। अब आगे की क्या कार्रवाई होगी, क्योंकि 3 लोगों की शिनाख्त की गई है जो CCTV कैमरे में, जिनकी जो है वो शक्ल पहचान में आ रही है, उन लोगों की शिनाख्त की गई है। अब कब उनकी गिरफ्तारी होगी और कब पकड़ा जाएगा, ये सारी चीज़ हम जो भी अपडेट होगी वो आप लोगों को लाकर देते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल स्वराज मीडिया नेटवर्क के साथ।